नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैंने अपने चैनल की शुरुआत मिट्टी के खिलौनों से की थी और मिट्टी के खिलौनों के बहुत सारे वीडियो बनाए थे। उनमें से एक वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, उस पर 3.5 मिलियन व्यू आ चुके हैं। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मिट्टी के खिलौना का वीडियो और बनाऊं, इसीलिए आज मैं मिट्टी के खिलौने बना रही हूँ। और देखिए, मिट्टी के खिलौने बना रही हूँ, किस मिट्टी से बना रही हूँ और कैसे इस मिट्टी को तैयार करती हूँ और फिर कैसे खिलौने बनाती हूँ, आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए ये वीडियो, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों। ये है मुल्तानी मिट्टी, जिसे हम मेट भी बोलते हैं। तो ये मेट मैं इतनी ले लूँगी, और ये मेट अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं भिगो के छोड़ रही हूँ। इसको टुकड़े इसके मैंने कर लिए हैं, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और भिगो के रख देंगे, क्योंकि इसे भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे हम पहले ही भिगो देंगे। मैं दोपहर में 2 बजे के लगभग ये बनाऊंगी खिलौने, तो सुबह ही मैंने भिगो के रख दी। तो ये देखिए हमारी मेट जो हमने सुबह भिगो के रखी थी तैयार है, अभी भीग कर एकदम अच्छे से। और ये मिट्टी है जो हम घर बनाते हैं, कच्ची मिट्टी जो होती है, जो हमारी दीवार के पास ही थी वहीं से मैंने ले ली। और ये है राख, इतनी सी मैंने राख ली है। तो अभी हम इनको मिक्स करेंगे, इसके अंदर मैं ये मिट्टी डालूंगी। तो मुल्तानी मिट्टी कम होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा हमें ये मिट्टी मिक्स करनी है और राख थोड़ी सी मिक्स करनी है। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे तो हमें अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी और ज़रूरत है, क्योंकि इसको एकदम टाइट टाइट तैयार करनी है, ज़्यादा गिल्ली नहीं तैयार करनी है। तो अच्छे से इसको मिलाऊँगी, अभी गिल्ली है तो थोड़ी और मिला रही हूँ। दोस्तों, मैंने पहले जो वीडियो डाला था उसके अंदर कमेंट आई थी कि ये मुल्तानी मिट्टी मिलती कहाँ पर है, तो ये परचून की दुकान पर भी मिल जाती है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत उपयोगी है। ये बाल धोने के लिए भी काम में ली जाती है और फेस पैक बनाने के लिए भी काम में ली जाती है, इसीलिए ये परचून की दुकान पर भी मिल जाती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और राख तो घर में ही मिल जाएगी, और ये मिट्टी भी घर में या आस पड़ोस के यहाँ पर भी मिल जाएगी आसानी से, जो ये दूसरी वाली मिट्टी है ये मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी आप दुकान से लेकर आ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ये मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि एकदम अच्छे से हमारी टाइट टाइट और अच्छे से इसको मिलाना है, मतलब जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरीके से अच्छे से इसको गूंदना है। जितने अच्छे से हम मिट्टी तैयार करेंगे फिर उतने ही अच्छे हमारे खिलौने बनेंगे। और मिट्टी मैंने छान कर ली है, मुल्तानी मिट्टी तो अच्छे से भीग जाती है, लेकिन राख और जो मैंने ये दूसरी वाली मिट्टी ली है, इन दोनों को मैं छान कर लेकर आई हूँ। छानने से एकदम अच्छे से, मतलब जो भी कचरा होता है वो निकल जाता है, तो मिट्टी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी हमारी। दोस्तों, इस मिट्टी को अच्छे से हम गूंदेंगे, मिलाएंगे इसको, उतनी अच्छी होगी ये मिट्टी। और एकदम टाइट टाइट इसको करनी है, ये देखिए एकदम टाइट टाइट किया मैंने। और अभी ये तैयार है मिट्टी, तो अभी हम इसको, ये पॉलीथीन है, इसके अंदर डाल के रख देंगे, इसे मिट्टी सूखेगी नहीं। हम जैसे खिलौने बनाएंगे वैसे थोड़ी थोड़ी इसके अंदर से ले लेंगे, और ये मिट्टी सूखेगी नहीं, वरना क्या है कि पंखा चल रहा है हवा से सूख जाती है। तो इसके अंदर डाल दूंगी मैं,
इसको ऐसे रख देंगे हम कुछ देर के लिए। और अभी मैं हाथ धोकर आती हूँ। दोस्तों खिलौना बनाने के लिए हमने एक गिलास के अंदर पानी ले लिया है, और ये चाकू लिया है, और ये चम्मच लिया है। खिलौनों की जो शुरुआत है हमेशा मैं चूल्हे से ही करती हूँ, और ये मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छी हो गई है देखिए। और इस तरीके से हम मिट्टी को वापिस ढककर रख देंगे। तो मैं आपको अभी छोटा सा चूल्हा बनाकर दिखा रही हूँ, और अगर आपको बड़ा चूल्हा बनाना हो तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा कि आपको जैसे मिट्टी के खिलौने होते हैं उनमें खाना भी पकाना अच्छा लगता है, तो उस तरीके से आप थोड़े बड़े खिलौने बनाएंगे। इतने छोटे में तो नहीं बनेगा, थोड़े से बड़े बनाएंगे तो उसमें आप चूल्हे में आग जला सकते हैं और बना सकते हैं खाना जो भी आपको बनाना हो। तो मैं आपको छोटे छोटे ही ये खिलौने बनाकर दिखाऊंगी आज। और खिलौने बनाते वक्त मिट्टी के खिलौनों में जो ये क्रैक जैसे दिखाई देते हैं जब बना रहे होते हैं, तो इन्हें पानी लगाकर हम सही कर सकते हैं, और पानी लगाकर इन्हें एकदम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चूल्हा बना लेंगे। तो अभी मैं तो बना रही हूँ चूल्हा बनाने के बाद, रोटी बनाने का सामान ही सबसे पहले बनाते हैं हम। चूल्हा बनाने के बाद तो बना रही हूँ, ये देखिए गोल गोल तोवा हमारा अभी बन रहा है। इसकी जो डंडी है वही लगा रही हूँ, पकड़ने के लिए जो डंडी होती है इस तरीके की। जब भी हम बचपन में खिलौने बनाते थे तो ऐसा ही करते थे, सबसे पहले चूल्हा बनाते थे, तो बनाते थे चकला और बेलन बनाते थे, और फिर कुछ बर्तन बनाते थे। तो उसी तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन आप जैसे आपको चाहिए बड़े छोटे जो भी आप बना सकते हैं। मिट्टी मैंने आपको बता दी है कैसे तैयार करनी है, तो इस मिट्टी से आप इसको मिट्टी को आप किसी भी शेप में डालेंगे तो उसी शेप में ये डल जाएगी। इसके बाद मैं आपको इन खिलौनों को पकाने की विधि भी बताऊंगी।
दोस्तों ये जो मैं अभी बना रही हूँ इसमें हम अदरक कूटते हैं, सौंठ कूटते हैं, वही है जिसको हम मांग दस्ता या फिर खुरल कुछ ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर। तो जो मसाले होते हैं वो कूटने के लिए है ये। और ये दो तीन मैंने बर्तन बनाए हैं, इस तरीके से आप बहुत सारे बर्तन बना सकते हो। ये देखिए इतने खिलौने तो हमारे तैयार हैं बनकर। मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो गई है, देखिए मिट्टी पर ही डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी हमारी मिट्टी होगी उतने ही अच्छे हमारे खिलौने बनेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ चक्की, जो चक्की हाथ से आटा पीसने वाली चक्की होती है वही चक्की बना रही हूँ। और ये मैं सिलबट्टा बना रही हूँ, जो पत्थर की सिलबट्टा होता है, पत्थर का होता है, जिसमें हम मिर्च रगड़ते हैं, लाल मिर्च और मसाले भी रगड़ते हैं, तो वही बना रही हूँ। जिस पर हम दाल भी लोड़ते हैं, लोडना बोलते हैं उसको, मूंग की दाल और मोठ की दाल जब बड़े बनाते हैं तो वही दाल इस सिलबट्टे पर लोडते हैं हम। तो अभी उसका लोडा बना रही हूँ जिससे हम ये लोडते हैं। तो एक छोटा सा हम लोडा बना लेंगे। तो जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल करते थे पुराने टाइम में, वही चीज़ें अच्छी लगती हैं खिलौनों में भी। तो ये देखिए हमारा लोडा भी बनकर तैयार है। इसको मारवाड़ी में हम लोडा ही बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और ये जो मैं अभी बना रही हूँ मटकी बना रही हूँ, मटकी का आकार दे रही हूँ लेकिन इसमें हम पानी नहीं डाल सकते, कुछ इसी तरीका का बना रही हूँ। बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मटका है पानी का। तो ये आकार में हम इसको मटके का आकार दे देंगे और ऊपर इसके ढक्कन भी लगा देंगे। ये छोटा सा हमने इसका ढक्कन लगा दिया। वंदना और कल्पना भी मेरे साथ हैं, ये भी बना रही हैं खिलौने और इंतज़ार कर रही हैं कि कब ये खिलौने मम्मी हमें देगी खेलने के लिए। और ये चम्मच बना रही हूँ मैं, जो सब्जी लेने का चम्मच होता है वही चम्मच।
चमचा, चमचा है ये। तो ये देखिए मैंने इतने ही खिलौने बनाए हैं, लेकिन आप इस तरीके से और भी बहुत सारे खिलौने बना सकते हैं। इतने खिलौने बनाकर मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस तरीके से बनाना है। आप जैसे भी शेप देना चाहें वैसे दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये देखिए कितने सुंदर हमारे खिलौने लग रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। अगर आपको ऐसा वीडियो और देखना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।